हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसर या प्रदिश। और अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, उन तीनों के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा था, किस तरीके से कोऑर्डिनेट का कन्वर्जन होता है फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर, और किस तरीके से यूनिट वेक्टर्स को भी कन्वर्ट करके हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक यूनिट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में बदल सकते हैं। आज हम इसी यूनिट का जो अनदर टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है टेंसर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रदिश राशियाँ। तो अभी तक हमने सिर्फ अदिश और सदिश के बारे में सुना था। इनका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है यानी कि व्यापक रूप होता है उसको हम कहते हैं प्रदिश। यानी कि अदिश और सदिश दोनों राशियाँ जो हैं वो प्रदिश का ही एक रूप होती हैं, ठीक है। यानी कि इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि अदिश एवं सदिश राशियों का व्यापक रूप जिसके द्वारा भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है प्रदिश राशि कहलाती है, ठीक है। और इसका यूज़ जो है वो लेवी कैविटा और बहुत सारे अनदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। लेकिन ये पहचान में कब आया प्रदिश, सन 1905 में आइंस्टाइन ने अपने आपेक्षिकता के सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी जो थ्योरी थी उसके अंदर इसका यूज़ किया, तब ये जाके पहचान में आया। सैद्धांतिक भौतिकी की अनेक शाखाओं में और कंटिन्यूम मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में और इलास्टिसिटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यानी कि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके अंदर टेंसर जो पैरामीटर है या टेंसर क्वांटिटीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि टेंसर क्या है, अदिश और सदिश का व्यापक रूप है, यानी कि इसमें क्या है, अदिश भी शामिल होते हैं और सदिश भी शामिल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई। हम जानते हैं जे इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके अंदर सिग्मा इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी जे, ओके। तो जे क्या है, इन प्रोपोर्शनल होता है ई वेक्टर के। तो अगर हमारे पास आइसोट्रॉपिक मीडियम है, समदेशिक माध्यम है, तो समदेशिक माध्यम में क्या होता है कि सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर जे वैक्टर व ई वैक्टर जो हैं वो उनका परिमाण और दिशा जो है वो समान होती है। जे वैक्टर और ई वैक्टर दोनों क्या हैं, सदिश राशि होती हैं। लेकिन अगर हमने माध्यम जो है वो विषम देशिक लिया है यानी कि नॉन आइसोट्रॉपिक लिया है, तो उसके अंदर क्या होता है, जे वेक्टर व ई वेक्टर के जो परिमाण व दिशा होती है वो परिवर्तित होते हैं, ठीक है, उनके मान अलग होंगे। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे जे का मान अलग है और ई का मान अलग है, तो उस टाइम सिग्मा जो है वो उस रिलेशन को कंपनसेट करता है, क्योंकि जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो जे वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, सिग्मा ई के। अब आइसोट्रॉपिक मीडियम में तो जे और ई समान है, परिमाण समान है, दिशा समान है, तो सिग्मा का रोल अहम नहीं है, वो एक समानुपाती नियतांक है। लेकिन क्या है, विषम देशिक माध्यम के अंदर जब जे और ई डिफरेंट होंगे परिमाण व दिशा दोनों में, तो सिग्मा जो है वो अपने आप को इस तरीके से परिवर्तित करता है कि वह इस समायोजन को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर सिग्मा का रूप जो है वो प्रदिश की तरह हो जाता है, एक टेंसर क्वांटिटी की तरह हो जाता है। जैसे हमने जे एक्स, जे वाई एंड जे जेड, ये तीन कॉम्पोनेंट लिए करंट डेंसिटी के, तो इन दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ई एक्स, ई वाई और ई जेड, तो होगा तो सही लेकिन परिमाण में उसके बराबर नहीं होगा। तो उन तीनों दिशाओं में सिग्मा कंपोनेंट, जैसे ई एक्स दिशा में सिग्मा 1 1 और ई वाई दिशा में जैसे सिग्मा 1 2, ई जेड दिशा में सिग्मा 1 3, तो वो क्या है, तीनों दिशाओं में उसको कंपनसेट करेगा ताकि वो टोटल क्या है, जे एक्स के बराबर हो सके। इसी तरीके से जे वाई के लिए सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, जे जेड के लिए 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिग्मा आई जे, जिसमें आई और जे 1 2 3 है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कंपोनेंट होंगे, जैसे जे एक्स, जे वाई और जे जेड, और ई एक्स, ई वाई और ई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जे और ई के कंपोनेंट है, ठीक है। सामान्य तौर पर तो क्या है, प्रदिश राशियां गणितीय राशियां हैं, ठीक है, एवं अदिश एवं सदिश की तरह, जिसे माध्यम के भौतिक गुणों का वर्णन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि प्रदिश जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक व्यापक रूप है अदिश और सदिश का, जनरलाइज्ड फॉर्म है। बड़े तौर पे अगर अदिश और सदिश को देखा जाएगा तो हम उसे प्रदिश कहते हैं, और प्रदिश के अंदर अदिश और सदिश दोनों शामिल की जाती है। और इनका यूज़ भी जो है वो किसी भी मीडियम के प्रॉपर्टीज़ के को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है।
प्रदिश जो है वो अदिश और सदिश का व्यापक रूप है। अब जैसे अदिश है, अदिश की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमा नहीं होती, इसीलिए ये क्या है, शून्य कोटि का प्रदिश है। हम इसमें ऑर्डर डिफाइन करते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चलोगे आपको पता लगेगा कि अदिश जो है उसकी कोई विमा नहीं होती है, इसीलिए वो क्या है, शून्य कोटि का प्रदिश है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सदिश की, तो सदिश जो राशि होती है उसकी क्या होती है, दिशा होती है। तो दिशा होगी तो ये प्रथम कोटि का प्रदिश होगा। जैसे प्रथम कोटि का प्रदिश अगर इसको बोलते हैं तो इसको हम 3:1 के कॉलम मैट्रिक्स से शो करते हैं। जैसे ऐसे, जैसे ये कोई कंपोनेंट x1 x2 x3, तो तीन रो हो गई इसमें और एक कॉलम हो गया। तो जो सदिश राशि है उसको 3:1 के एक कॉलम मैट्रिक्स से शो करते हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, प्रथम कोटि की प्रदिश राशि होती है सदिश, कोई भी सदिश, और कोई भी अदिश जो है वो शून्य कोटि का होगा। ठीक है, और इन्हें जैसे इनके गुण वर्णित करने, अगर मान लीजिए कोई माध्यम के वे गुण जिन्हें वर्णित करने के लिए दो दिशाओं की आवश्यकता है। अब जैसे कोई सदिश है वो केवल एक डायमेंशन की बात कर रहा है या एक दिशा की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम उसे कहेंगे कि प्रथम कोटि का प्रदिश है और एक कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे 3:1 की। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो दिशाओं की आवश्यकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए किसी प्लेन में है, किसी समतल में है, किसी सतह पर है, तो सतह पर एक्स और वाई दो डायरेक्शन है, या वाई जेड है या एक्स जेड है, हमें दो दिशाओं की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, द्वितीय कोटि का प्रदिश कहलाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, नौ संख्याओं के द्विविमीय व्यूह या 3:, या यहाँ पे 3:3 लिखना चाहिए था, ठीक है, 1 लिख दिया गलती से मैंने, 3:3। ओके, तो ये नौ संख्याओं के द्विविमीय व्यूह या 3:1 के सारणिक या द्वितीय कोटि के प्रदिश को व्यक्त करता है। दो दिशाओं की आवश्यकता है तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए nth के प्रदिश को मल्टी डायमेंशनल एरे के 3n घटकों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि अगर n दिशाओं में है कोई राशि और उसको डिस्क्राइब करना है एज ए टेंसर, तो हम उसके लिए कितने कंपोनेंट लेंगे, 3^n। जैसे यहाँ पे शुरुआत में एक दिशा में तो 3^1, दो दिशाओं में तो 3^2, तो 9 कंपोनेंट आएंगे। और 9 कंपोनेंट एक मैट्रिक्स में बनते हैं, जैसे तो वो 3:3 की मैट्रिक्स होती है ना, तो 3:3 का मैट्रिक्स। और अगर अब nth डायमेंशन की बात करें, n डायमेंशन की बात करें, तो उसके अंदर हमें 3^n घटकों की आवश्यकता होती है। प्रदिश के घटकों को व्यक्त करने के लिए व्यूह में स्थिति अनुसार प्रदिश के सांकेतिक नाम पर मूर्धांक या पादांक का उपयोग किया जाता है। एक होती है सबस्क्रिप्ट और एक होती है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट तो सुपर मतलब ऊपर, ऊपर लगेगी, और सबस्क्रिप्ट मतलब पैरों में जिसको हम लगाते हैं, जिसको हम पादांक भी बोलते हैं, और मूर्धांक जैसे जिसको ऊपर लिखते हैं। तो मैं इसको आगे जब भी पढ़ूंगी तो हिंदी वाले शब्दों का यूज़ ना करके इंग्लिश वाले शब्दों का यूज़ ही करूंगी, जैसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर की साइड में हम लगाएंगे इसमें, जैसे फोर्थ लिखा है ना, फोर्थ, जैसे ये लिखा तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, और जैसे लिखा थर्ड तो ये क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट लगा दिया पैरों में। ओके, इस तरीके से। तो कोई भी टेंसर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर के। सेकंड ऑर्डर टेंसर जैसे विद्युत चालकता, विद्युत प्रवृत्ति, ऊष्मीय चालकता, प्रतिबल विकृति, और ठीक है, उसके बाद क्या है, उच्च कोटि के प्रदिश जैसे दुर्णमयता, द्वितीय कोटि के प्रदिश को एक द्वितीय कोटि के प्रदिश से, तथा दाब विद्युत द्वितीय कोटि के प्रदिश को एक सदिश से संबंध स्थापित करता है। ये इनके जो भी फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से ये बोलने की कोशिश कर रहा है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रदिश में उपयोग किए जाने वाले कुछ संकेताक्षर या सम इम्पॉर्टेंट नोटेशन यूज्ड इन टेंसर। तो क्या नोटेशन टेंसर में यूज़ किया जाता है, एक है अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये जैसे फर्स्ट के टेंसर क्या है, दूसरा अब जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंसर क्या है, किस में यूज़ किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो टेंसर एक जनरलाइज्ड फॉर्म है अदिश और सदिश का, और इसका यूज़ जो है जैसे जहाँ पर
जैसे अभी मैंने बताया कि नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है, उसके अंदर जो राशियाँ होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और मैट्रिक्स के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या नोटेशन, जैसे पहला है कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर या प्रतिचर प्रदिश। तो इसमें क्या होता है, प्रतिचर प्रदिश में घटकों को व्यक्त करने के लिए मूर्धांक का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये देखो यहाँ पे TIG, तो ये क्या है, मूर्धांक या सुपरस्क्रिप्ट कहलाते हैं। ये है कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर, यानी कि जहाँ पर भी किसी राशि के ऊपर ऐसे लिखा हुआ हो ना, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर। और दूसरा होता है सहचर प्रदिश, जिसमें राशि के नीचे लिखा हुआ आए ना, तो वो होगा कोवेरियंट टेंसर, कोवेरियंट टेंसर या सहचर प्रदिश। और मिक्स्ड टेंसर कौन सा होगा, जिस किसी राशि में ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखा हुआ है ना, तो ये कहलाएगा मिक्स्ड टेंसर, कॉन्ट्रावेरियंट भी और कोवेरियंट भी। कोवेरियंट सहचर जिसमें नीचे लिखा जाता है, और कॉन्ट्रावेरियंट प्रतिचर जिसमें ऊपर लिखा जाता है। ऊपर लिखा जाएगा उसको मूर्धांक या सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और नीचे लिखा जाएगा उसको मादांक या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्रॉनेकर डेल्टा क्या है, तो क्रॉनेकर डेल्टा को हम इस तरीके से लिखते हैं, DELIJ। ठीक है, इसके दो मान पॉसिबल होते हैं, इट मे बी 0, इट मे बी 1। 0 कब होता है, 0 होता है जब I और J का मान एक दूसरे के बराबर नहीं हो। 1 कब होता है, जब I और J का मान एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, बराबर नहीं हो तो 0, और जब बराबर हो तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद है क्रोनेकर डेल्टा लघुकरण, मतलब अगर क्रोनेकर डेल्टा को इस तरीके से लिखा गया, DELIJ DELJK। देखो आपको क्या करना है, जब दो डेल्टा पास पास लिखे हों तो उनके ये कंपोनेंट मिलाकर देखो, चाहे आप ये मिलाकर देखो, अगर ये सेम है तो सेम वालों को आप हटा दो, फिर आप एक ही डेल्टा लिखो और उसमें जो बचे हुए हैं वो दोनों लिख दो। ऐसा भी हो सकता है DELJI DELKJ ऐसा लिखा हो भी आ सकता है, तो आप इन दोनों को हटा दो, यानी कि साथ में और पास पास में लिखे हैं ना, और तो उनके सिमिलर वालों को हटा दो। इसमें JJ लिखा है तो इसको J को हटाओ, I और K, तो ये क्रॉनेकर डेल्टा का लघुकरण, मतलब दो को कंबाइंड करके एक लिख दिया। अब कभी काफ़ी सारी जगह पर ऐसा भी हो सकता है DELIJ को ऐसा लिखेगा, कई बार ज़रूरत पड़ेगी तो दो इस तरीके से भी लिख सकता है, उल्टा भी लिख सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है जैसे DELIJJK, इसका क्या मतलब हुआ, इसी को लिखा है, जैसे आई और जे के और के मान रख देगा अलग अलग, जैसे जे का मान रख सकता है 1 1 2 2 3 3, NN और इस तरीके से आगे तक कुछ भी मान हो सकता है इनका, सबके लिए है ये। अब है जैसे DELIJ IJ और AJ ऐसे है, तो इसमें ये जे और जे सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, AI इसको लिखेंगे, AI, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से क्या है, N स्वतंत्र चर राशियाँ हैं। ओके, N स्वतंतर चर राशियाँ हैं, तो DELIXI जो है वो किसके बराबर है, DELIXI/DELXJ वो DELIJ के बराबर है, तो DELIXI/DELXJ DELIXI/DELXK तो इसको लिख सकते हैं DELIKE, वो इसी तरीके से है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही है। जैसे N इंडिपेंडेंट राशियाँ हैं, DELIXI/DELXJ लिखा हुआ आएगा तो उसे हम लिखेंगे DELIJ, ये ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें ये तो है DELIJ और दूसरे वाला है DELJK, और डेल्टा के लघुकरण से हम इसको हटा देंगे तो ये क्या हो गया, DELIKE, यानी कि एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद जैसे DELIII आ गया, II का मतलब हो गया 1 2 3, N तक है तो 3, यानी कि हर एक जगह पर इसका मान अलग होगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर N है, I का मान जो है वो 1 2 3 है, और वहाँ पे DELIII आ गया तो वहाँ पे इसका मान होगा 3। हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे I कितना डिफाइन है, 1 है या 2 है या 3 है, तो जहाँ जितना होगा उसके बराबर इसका मान आ जाएगा। उसके बाद जैसे DELIJ और DELIJ ये है, तो 1 1 2 2 3 3, तो इसका मान किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आगे हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद है लाइन एलिमेंट, तो लाइन एलिमेंट में क्या है, DS2 इज इक्वल टू DX1 2, DX2 2, DX3 2। तो इसमें ना एक चीज़, जैसे X1 X1 X2 X2 X3 X3, तो जैसे ये स्क्वायर है ना लाइन एलिमेंट, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना DS इज इक्वल टू जैसे DX या DY कुछ भी है,
जैसे फर्स्ट में पढ़ा था dl h1 du1, तो ये जैसे कार्टेशियन में किसके बराबर होता है, dx के बराबर होता है, और स्क्वायर करेंगे तो सिंपली स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ये स्क्वायर हो गया और ये x1 x1 x2 x2। अब जो 1 लिखा है ना, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है। ये 2 लिखा है वो सुपरस्क्रिप्ट है, 3 लिखा है वो सुपरस्क्रिप्ट है, और ये जो बाहर स्क्वायर लगा है ना, ये क्या है, घात है। इसके बारे में ये आगे बताएगा आपको। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। ओके, आई और जे जब बराबर होंगे तो डेल्टा आई जे 1 हो जाएगा। ओके, तो जैसे 1 होएगा तो यहाँ पे डी एक्स डी एक्स बन जाएगा, और जैसे आई का मान 2 हो गया तो डी एक्स 2 बन जाएगा, और 3 होगा तो डी एक्स 3 बन जाएगा, क्योंकि उसी कंडीशन में डेल्टा 1 होगा, बाकी जगह ये 0 रहेगा। तो इसके जो नियम है ना, वो इसने दिए हैं कि जब हम लोग घात और सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं ना, तो उनको डिफाइन करने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे बाहर तो घात है, अंदर सुपरस्क्रिप्ट है। टेंसर को अलग दिखाना पड़ेगा ना, वरना घात और टेंसर दोनों एक जैसे लगेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि टेंसर कौन सा है, टेंसर है कि घात है। तो घात को हमेशा ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, और टेंसर जो है उसको शो करने के लिए जो सुपरस्क्रिप्ट है उसको अंदर लिखेंगे। ओके, उसके बाद है क्रॉनेकर डेल्टा की उपरोक्त परिभाषा एवं गुणधर्म में आइंस्टाइन संकलन परिपाटी का उपयोग किया जाता है, और इसके लिए यदि कोई सूचकांक 2 बार प्रयुक्त हो, अर्थात एक बार मूर्धांक के रूप में तथा एक बार पादांक के रूप में, तो इसका अर्थ है कि निर्धारित परिसीमा में योग है, तथा योग चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक बार तो ये आई जो है वो पैरों में आया है सबस्क्रिप्ट के रूप में, और एक बार आई जो है वो सुपरस्क्रिप्ट के रूप में आया है, तो इनका मतलब ही होता है समिशन। तो इसीलिए हम समिशन हटा भी दें तो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई सूचकांक जो है वो एक ही पद के अंदर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो उसे हम डमी इंडेक्स या मूक सूचकांक कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आपके पेपर के अंदर ना जो शुरुआत में आता है ना छोटे क्वेश्चंस, तो वो पूछ सकते हैं डमी इंडिसेस क्या होती है, मूक सूचकांक क्या होते हैं, या फ्री इंडिसेस क्या होती है, तो इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। डमी इंडिसेस का मतलब, अगर एक ही पद के अंदर कोई सूचकांक 2 बार आ जाए तो उसे हम डमी इंडेक्स या मूक सूचकांक कहते हैं, और प्रत्येक पद में एक बार प्रयुक्त हो, यदि सूचकांक एक पद में एक ही बार यूज़ हो रहा है तो वो फ्री इंडिसेस कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट है सदिशों का अदिश गुणनफल। तो ए वेक्टर जो है उसके लिए उसके कंपोनेंट तीनों दिशाओं में और उनकी डायरेक्शन, तो ई आई के ए आई इस तरीके से इसको शो करते हैं। इसी तरह से बी वेक्टर है तो दिशाएँ और साथ में उसके कॉम्पोनेंट। ओके, तो ई जे और बी जे ऊपर लिखना चाहिए था ये। फिर जब इनको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में ई आई और ई जे कैप और ए आई बी जे, यहाँ पे आई और जे का समेशन, यानी कि तीनों कंपोनेंट को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे आई बराबर 1 2 3, जे बराबर 1 2 3 होगा। ओके, सिंपली करते हैं, और आइंस्टाइन संकलन परिपाटी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आई जे, ई आई और ई जे जो है उसको लिखेंगे डेल आई जे। जब आई और जे का मान बराबर होगा तो ये 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। ओके, तो वही है, आई जब 1 1 है तभी तो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज 0 हो जाएंगे, जिसमें सिमिलर रहेंगे वही आएंगे टर्म्स। फिर है जनरलाइज्ड क्रॉनेकर डेल्टा। तो जनरलाइज्ड मतलब जैसे सिंगल के लिए ले लो या बड़े तौर पर ले लो। अब इसमें बड़े रूप में ले लिया, जैसे आई इससे पहले लिख रहे थे डेल आई जे, जब आई और जे बराबर होंगे तो 1, और आई और जे बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, 0। सिंपली लिख रहे थे, अब लिख देंगे I1, I2, I3, IN, J1, J2, J3, JN, जब सब इसका मान 1 हो जाएगा, कब होगा, चक्रीय क्रम में हो, एक मिनट, इसका मान 1 हो जाएगा जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे। इसने ये चक्रीय क्रम क्यों लिखा है, अच्छा ये इसलिए आया है क्योंकि जैसे ये ऑर्डर में चलेंगे ना, जैसे 1 2 तो 1, या किसी एग्जांपल से समझाएगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और क्योंकि ये ऑर्डर की बात तो इसमें कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये है ना ई आई जे के,
क्रमचय परम्यूटेशन सिंबल होता है EIJK। तो EIJK जो होता है इसमें क्या होता है, अगर कोई भी दो संकेत या सभी संकेत समान हो तो इसका मान क्या होता है, ज़ीरो। तो जैसे ये इसमें दिया है, जैसे तीनों संकेत समान है ना, या फिर दो समान है तो इसका मान क्या आएगा, ज़ीरो। और जब ऑर्डर में रहते हैं, ऑर्डर में मतलब 1 2 3 लगातार, या 2 3 1, या 1 1 के बाद क्या आएगा, सॉरी 3 1 और 2, इस तरीके से लगातार ऑर्डर में रहेंगे तो मान आएगा 1। अगर ऑर्डर को ब्रेक करेंगे, जैसे ऑर्डर ब्रेक होगा तो 3 के बाद जैसे 2 आ गया है ना, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, या 1 के बाद 3 आ गया, तो ये ऑर्डर ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। इसी तरीके से शायद जनरलाइज्ड फॉर्म में इन्होंने किया है कि जब ऑर्डर में होगा, चक्रीय क्रम में होगा तो 1, और जब प्रतिचक्रीय क्रम में होंगे तो -1, और अन्य स्थितियों में 0। तो जब आगे हम कहीं पर इसके मान रखे जाएंगे तब हम इसको चेक कर लेंगे। ओके, तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी और इंट्रोडक्शन था अबाउट टेंसर। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना बच्चों, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पूछना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो।